लोग हैं वो बाजार में आ चुके हैं, तस्वीरें आपके सामने सीधी सीधी चल रही हैं, और लोग हैं वो स्कूल के सामने से उठकर बाजार में अब आ चुके हैं और प्रतिष्ठान है वो बंद किए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद और हाल ही की विधायक कृष्णा पुनिया के खिलाफ है वो नारेबाजी हो रही है। तस्वीरों में आप साफ देखें लोगों ने अपने प्रतिष्ठान है वो कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार के साथ आकर बंद कर दिए गए हैं। रोष है, गुस्सा है लोगों के अंदर कि एक पीड़ित परिवार को न्याय वो किस तरह से मिले, क्योंकि जिस प्रकार से एएसपी साहब दो दिन पहले 20 तारीख को आप आए थे, एक समझौते के ऊपर यहाँ पर हस्ताक्षर हुए थे, उस समझौते से कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन है मुकर रहा है। तस्वीरें ये सिद्धमुख बस स्टैंड की, मुख्य बस स्टैंड की, और लोग हैं यहाँ पर देखिए इकट्ठे हो चुके हैं। मैं तस्वीरों में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि आखिर है वो लोग हैं वो क्या चाहते हैं। तस्वीर आपके सामने लाइव है, इसमें ये देखिए तस्वीरें, ये देखिए लोग हैं वो यहाँ पर है बढ़ते हुए बाजार की तरफ, और यहाँ पर है वो देख सकते हैं आप कहीं ना कहीं बंद करवाने का आह्वान है बाजार का। लोग हैं वो अपने प्रतिष्ठानों को देख सकते हैं बंद कर चुके हैं, लोगों ने यहाँ पर पीड़ित परिवार का साथ है वो दिया है, और गुस्सा है, लोग ग्रामीण है वो सड़कों पर इस समय तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये देखिए इसमें युवा क्या, बुजुर्ग क्या, बच्चे सब शामिल हैं, और यहाँ पर गुस्सा है वो इनका फूट दबाना चला रहा है सड़कों पर। ये देखिए बड़ी संख्या में है लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर। ये देखिए प्रतिष्ठान है वो बंद किए जा रहे हैं, अपने अपने प्रतिष्ठान है वो बंद किए जा रहे हैं। देखिए तस्वीरों में देख सकते हैं आप, ये देखिए प्रतिष्ठान है बंद किए जा रहे हैं, लोग हैं सामूहिक रूप से प्रतिष्ठान है वो बंद कर रहे हैं। तस्वीरों में आप सीधा सीधा देख सकते हैं इसमें, ये देखिए लोग हैं वो पीड़ित परिवार के साथ हैं, वो आ चुके हैं, और जो गुस्सा है, जो कहीं ना कहीं दर्द है, उस दर्द को ये देखिए सड़कों पर आप देख सकते हैं लोग सामूहिक रूप से यहाँ पर अपने प्रतिष्ठान बंद करते हुए। ये तस्वीरें सीधी सीधी सिद्धमुख से आपके बीच में है, इसमें पुलिस प्रशासन के खिलाफ भारी विरोध है वो देखा जा सकता है। ये देखिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ भारी रोष, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए लोग हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, ग्रामीण, देखिए आसपास के क्षेत्र से भी लोग हैं वो आए हुए हैं, और ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से विरोध प्रदर्शन है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, रोष है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए लोग अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके इस कहीं ना कहीं इस मुहिम में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों ने अपने प्रतिष्ठान है वो बंद कर दिए हैं इस समय। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में, आपके बीच में दिखाने का प्रयास करूंगा कि तमाम वो प्रतिष्ठान है, तो व्यवसायिक लोग हैं, उन्होंने अपने अपने प्रतिष्ठान है वो बंद करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरों में देखिए लगभग बाजार है वो बंद हो चुका है, पीड़ित परिवार के साथ है वो लोग आ रहे हैं, अपने अपने प्रतिष्ठान बंद करके कहीं ना कहीं वो गुस्सा है, वो आक्रोश है, वो जाहिर कर रहे हैं लोग। ये तस्वीरें आपके सामने सीधी सीधी चुरू झलक के मोबाइल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसमें लोग अपने अपने प्रतिष्ठान है वो बंद कर रहे हैं, देखिए अपना अपना सामान है वो अंदर रख रहे हैं, और ये तस्वीरों में देखिए आप किस प्रकार से लोग सड़कों पर आ चुके हैं। फिर से जानकारी दे दूं कि 20 तारीख को यहाँ पर एक आंदोलन हुआ था, हाल ही के प्रधानाचार्य यहाँ पर जो प्रधानाचार्य थे कृष्ण कुमार मेहरा, उनको छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं, और छेड़छाड़ के आरोप और संगीन आरोप लगे हैं, बता रहे हैं कि वीडियो फुटेज भी उसके सामने आ चुके हैं, लेकिन अधिकारी का जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम आपको नहीं दिखा सकते वो फुटेज, लेकिन कल रात को अमीरवास थाना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जांच है। सरदार सर मदन लाल बिश्नोई को ये लोग सौंपना चाहते थे, और अब वो सौंपी नहीं जा रही है, उसी को लेकर है ये विरोध प्रदर्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये कह रहे हैं कि पुलिस ने अपनी वादा खिलाफी की है, मैं जानने का प्रयास करूंगा, देखने प्रयास करूंगा, और लोगों से बातचीत कराने प्रयास करूंगा। लोग है वो यहाँ पर देखे इस भारी संख्या में लोग है वो पहुंचे हुए हैं, तमाम लोग यहाँ पर सिद्धमुख के क्षेत्रवासी और आसपास के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। आप सड़कों पे आए हैं स्कूल छोड़ के, क्या कहना आपका? हमारा ये कहना कि इस मामले की जांच जो यहाँ पर हमारी एक कमेटी थी, कमेटी के अंदर समझौता हुआ था, एडिशनल एसपी राजगढ़ उसमें शामिल था, और उसने लिखित में कह के गया था कि इस पूरे मामले की जांच सरदार शहर एसएचओ करेंगे, लेकिन एसपी साहब पर राजनीतिक दबाव आया और उसने समझौते से मुकरते हुए वापिस अमीरवास थाना अधिकारी के पास ही जांच रखी, और उस मामले की जांच सरदार शहर यानी राजगढ़ तहसील से बाहर नहीं की। इस कारण जनता में गुस्सा है कि मामले को दबाया जाएगा, और जिसने दरिंदगी की है उसको किसी न किसी प्रकार से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस कारण हमारा एसपी साहब से निवेदन है कि इस मामले की तुरंत अपने द्वारा किए गए वादे के अनुसार जांच बदले, ताकि आम जनता में पुलिस प्रशासन का
जो कानून के प्रति विश्वास है वो बना रहे। अच्छा, कल एसपी साहब से आपने मुलाकात की, वो क्या बोले? कल एसपी साहब ने हमें ये कहा था कि आप एक लिखित में परिवार थे। एसपी साहब ने कहा कि पीड़िता की तरफ से, उसके परिवार की तरफ से कोई बंदा कोई दरखास्त आएगी तो हम उस मामले की जांच चेंज करेंगे। वो दरखास्त हमने कल ईमेल के माध्यम से पहुंचा दी, उसके बाद कहा 4 बजे तक जांच चेंज हो जाएगी, लेकिन एसपी साहब ने राजनीतिक दबाव में आकर उस मामले की जांच चेंज नहीं की है। अभी तक किसी प्रशासनिक अधिकारी से बातचीत हुई आपकी? नहीं, अभी तक आज किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से बात नहीं हुई है और प्रशासन इस मामले की जांच बदलना नहीं चाहता। ठीक है, ओके, धन्यवाद। ये देखिए लोग हैं, वो बता रहे हैं कि वादा खिलाफी हुई है। ये देखिए पुलिस प्रशासन की गाड़ी भी है, वो आ चुकी है। पुलिस प्रशासन है, वो पहुंच चुका है। सिरमुख पुलिस है, अब पहुंच चुके हैं सिरमुख पुलिस मोर्चा संभालने के लिए। सिरमुख पुलिस की गाड़ी है, वो देखिए तस्वीरों में आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि सिरमुख पुलिस की पुलिस भी यहाँ पर मौके पर पहुंच चुकी है। इस मामले में नई लगातार बने रही है, अपडेट है वो पल पल की हम आपको देते रहेंगे। पुलिस प्रशासन है, वो पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन सुबह से यहाँ पर मेरे साथ है, शायद ये भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी है पुलिस की गाड़ी आ चुकी है। और ये गाड़ी किसी बड़ी अनहोनी ना हो जाए, घटना होना जाए, इसके लिए पुलिस प्रशासन में पहुंच चुका है सिरमुख थाना। और लोग हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।